ऑनेस्टी के द बेस्ट फालतू ईमानदारी से मांग रहे हैं, ना चोरी करें ना चिनारी करें, फिर भी पब्लिक चेप हो जाती है, पुलिस वाले चेप हो जाते हैं, मत आया करो यहाँ, क्या करें यहाँ ना मांग, रोड में तो मांग रहा हूँ, क्या किसी की बहन की रहा हूँ कि किसी की चोरी कर रहा हूँ, किसी की जेब काट रहा हूँ, सर भीख तो मांग रहा हूँ, भीख भी मांगने में जुर्म है, आप ही बताइए सर। कितने दिन में आप आते हैं यहाँ पे? यहाँ मैं 15 दिन हफ्ते में आ जाता हूँ। 15 दिन हफ्ते में आप आते हैं? छुट्टी होती है ना। क्या नाम बेटा आपका? पवन द्विवेदी सर। पवन द्विवेदी, तो पवन आपके फादर क्या है, मतलब कैंसर है उनको? ब्लड कैंसर है पूरे शरीर में, ब्लड में है पूरे। तो पवन घर में कौन कौन है, कैसे चलता है घर का खर्चा? घर का खर्चा गाँव में अंकल खेती करवाते हैं, 3 बहन है, अकेला भाई हूँ। आप अकेले भाई हो? कितने टाइम से आपके पापा? 2015 से सर। 2015 से? तो आप क्या काम करते हो आप? सर मैं भी तो पढ़ाई करता हूँ, ये भी करता हूँ, 2800 रुपये की है हफ्ते में इंजेक्शन लगते हैं, ब्लड चेंज होता है 15 दिन में। कितनी कितनी मुश्किल आती है क्या बताएं सर। तो कितने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं पवन आपके इस तरह से, आप पूरे दिन? सर यहाँ पे जितने हाई फाई लोग आते हैं ना, कोई नहीं देते, सब बोलते हैं तुम लोग ऐसी फ्रॉड हो, ये करते हुए, फिर भी हम जैसे आप हो गए 10 रुपये 5 रुपये कोई दे के जाएगा ना तो ठीक है, पर हाई फाई वाले पब्लिक कभी नहीं देती, नौकरी वाले कभी नहीं देते हैं। हम लोग कभी डब्बे में 500 की नोट 200 की नोट नहीं देखा होगा कि कोई आके हेल्प दिया हो, कभी ऐसा नहीं हुआ किसी ने 500 की 200 की नोट डब्बे में डाली हो? ठीक, कभी नहीं डाला। एक बार एक लेडीज डाल रही थी, पर वहाँ मैं यहाँ गया था नॉर्थ पुलिस में, एक लेडीज 200 की नोट डाल रही थी, एक आया बोला चलो हटाओ ये रहने दो, ये सब बच्चे मजे लेते हैं, फिर वहाँ पे हंसने लगे सब, फिर मैं बंद करके वापस घर चला गया। मेरे को शर्म भी महसूस हुई क्योंकि स्कूल के लड़के भी सारे आए थे ना, मैं बंद करके वापस घर चला गया। कहाँ पढ़ते हो आप? मैं जोखना पहाड़गंज का फेरू वालन में। तो घर का खर्चा कैसे चलता है? घर का खर्चा हो गया, गांव से खेती होती है, वहाँ से राशन पानी लाते हैं, और पापा जहाँ पहले गोल्डन मिल्क में जॉब करते थे होटल में सुपरवाइजर थे, हो गए मकान वहीं दिलवाए हैं, मकान वकान के पैसे नहीं लगते, हो गए अपना। तो आप यहाँ दिल्ली में किराए पर रहते हो? यस सर। पापा तीन बहनें हैं और एक आप अकेले भाई हो? यस। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं तो 9th क्लास में आता हूँ। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई आया किसी ने 500 या 500 रुपये डाले हो किसी ने? नहीं, 100 रुपये की अभी जैसे तरह दे के जा रहे हैं, 100 रुपये की मिली है, 200 500। आप इलाज करा रहे हो भाई? एम्स में सर। हाँ, एम्स में। यस सर, ठीक है, एम्स में करा रहे हो तो ठीक। तो पवन कभी एहसास होता है कि आपकी ये पढ़ाई की उम्र है और इस तरह से आपको भीख मांगनी पड़ रही है अपने फादर के लिए? ये देखिए, दुनिया में माँ बाप के अलावा है कोई? कोई नहीं है, ठीक है ना, मैं पढ़ भी लूँगा जब मेरी किस्मत साथ नहीं देगी, मेरे को नौकरी कहीं पे नहीं मिलेगी तो फिर क्या करूँगा, यदि माँ बाप बिछड़ जाएंगे ना, माँ बाप तो एक बार मिलते हैं और ये जीवन में पूरी जीवन में तो अपने ख्याल ही करनी है ना, माँ बाप एक बार जन्म देते ही ना सोचते हैं मेरा बेटा बड़ा होगा मेरा सहारा करेगा, जैसे अभी बंद कर देंगे तो कैसे खर्चा पापा का चलेगा, मम्मी का कैसे चलेगा, मम्मी को भी सारा डाइट है, यहाँ पे आते हैं रोग आते हैं सारा डाइट है। तो आप ये 15 दिन में, ये हफ्ते में, ये कभी जब आपको दिखता है कि आपके पापा की ज़रूरत है दवाई की, तो आप अपने अपने जमीर को मार के यहाँ खड़े होते हो? यस सर। क्या करते लोग बाग हंसते भी जाते हैं, 1 रुपये डालते हैं, बोलते हैं हो गया भिखारी को इतना बहुत है, क्या करें, मुसीबत है ना, नहीं तो क्या, हम नहीं चाहते कि हम भी मॉल में जाएं, हम भी कहीं बाइक से उड़ें, हम भी कहीं हाई फाई कपड़े पहने, हम भी कहीं इंजॉय करें, क्या हमें ऐसा एहसास नहीं होता, हम भी पढ़ लिख लें। पब्लिक मेरी हेल्प कर रही है, ताकि आगे मैं भी चल के पब्लिक का हेल्प करूंगी, मैं भी सोचता हूँ, पर किस्मत क्या कर रहा है भाई, तू किस्मत साथ नहीं देती है। पवन, तुम्हें तुम्हें खुदा पे, अल्लाह पे, भगवान पे यकीन है?
हाँ मेरे को यकीन है कि पूरा यकीन है तुम्हें? यकीन है, कर देंगे सही। तुम्हें ये यकीन है कि एक दिन तुम्हारी किस्मत बदलेगी और तुम्हारा तुम्हारे पापा के इलाज के लिए कितना खर्चा है तुम्हारे पापा के इलाज के लिए? पापा के लिए 5.5 लाख के लिए डॉक्टर सर्टिफिकेट बना के दिया है। अभी कितना खर्चा है अभी बताओ, अभी कितना खर्चा है आपका? अभी पापा को आपके इलाज का महीने में कितना खर्चा आता है? महीने में 50,000 रुपये का सर। 50,000 रुपये? तो 50,000 पवन कैसे इकट्ठे कर दो, कैसे मैनेज करते हो? गांव से लाते हैं, कल लोग जैसे वहाँ लकड़ी उकड़ी हमारे बहुत है, जमीन हमारे बब्बा लोग बहुत पीते हैं ना, तो हम अपने हिसाब में देते रहते हैं, गहन रख देते हैं। जैसे आपको दे दिया 1 लाख में ना, जब मेरे पास पैसे होगा मैं आपको कब तक बेचोगे? क्या करें अभी सर, ओल्ड स्टेज पे भी पापा भी हैं, 14 साल चल रहा है, अब देखते हैं ब्लड कैंसर वाले। दिल रोता है कभी अंदर से? क्या सोचा था कभी कि अब नहीं लगती है फिर? क्या हम लोग नहीं इतने बढ़िया जन्म लेते हैं, भगवान मार दिल मार डालते तो बढ़िया रहता, कम से कम ऐसी मुसीबत तो देखना ना पड़ता। पब्लिक हंसते जाती है तो अब कितना शर्मिंदा महसूस होता है अपने। जितने लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो, सब लोगों से अपील है कि ऐसे लोगों की मदद करो, ऐसे लोग अपना ज़मीर मार के अपना मान सम्मान मार के यहाँ ये भीख मांग रहे हैं अपने बाप के लिए, और सिर्फ इसलिए भीख मांग रहे हैं कि ऑनेस्टी के दबे पालती ईमानदारी से मांग रहे हैं, ना चोरी कर रहे हैं ना किनारी कर रहे हैं, फिर भी पब्लिक चेप हो जाती है, पुलिस वाले चेप हो जाते हैं, मत आया करो यहाँ, क्या करें यहाँ ना मांग, रोड में तो मांग रहा हूँ क्या, किसी कि किसी की चोरी कर रहा हूँ, किसी की वेब काट रहा हूँ सर, भीख को मांग रहा हूँ, भीख भी मांगने में जुर्म है, आप ही बताइए। पब्लिक को भी ना सोचना चाहिए कि यार देखो बंदा ऐसे खड़ा है, फ्रॉड तो नहीं कर रहा, पब्लिक भी हमें समझती है, फिर भी मैं क्या करूँ अपने माँ बाप के लिए सर, मैं अपनी जान नहीं दे सकता हूँ, भले जेल चला जाऊँ तो अलग बात है। और कल के बाद में आप याद करोगे कि कोई आया था मुशाहिद खान के नाम के, मैं मुसलमान हूँ आप हिंदू हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं सर, हमारे खून में आपके ब्लड में कोई फर्क नहीं, इंसानियत के नाते पहले से अदला बदला है तो ही चल रहा है। इंसानियत के लिए मैं आपको ये नीचे रख दो आप, और मैं कुछ आपको डोनेट करना चाहता हूँ अपनी तरफ से, ठीक है? आप आज तक आपको किसी ने 500 रुपये नहीं दिए, और मैं ₹2,000 मेरी तरफ से, ठीक है भाई, ₹2,000 मेरी तरफ से, गले लग जाओ। और मेहनत से अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, ठीक है, और उनको कभी भी परेशानी मत आने देना। आप ही जैसे इंसान हमारे भारत में कम से कम चाहिए, आप हमारे कौन हैं? कोई नहीं है, सिर्फ आप हमको अपने दिल से भाई मान के 2,000 रुपये का हेल्प डोनेट दिए हैं, आप जैसे भगवान आपको अल्लाह बहुत दे, आप ऐसे ही रहें हमेशा, हिम्मत कष्ट ना हो, आपके दुश्मन जलते रहें हमेशा ऐसी। थैंक यू, हिम्मत नहीं आनी है ना, हिम्मत से काम लेना, और ये वीडियो लाइक कमेंट जोरदार से होनी चाहिए। और ये सिर्फ 2,000 है ना, ये मैंने दिए 2,000, पूरा भारत आपकी मदद करेगा, ठीक है ना, पूरा भारत आपकी मदद करेगा, और आज से बाद में आपको इस तरह से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वादा है, मैं वादा करते हो मेरा वादा कि आज से बाद में अगर पूरे पैसे होते हैं तो भीख नहीं मांगोगे और अपने जमीर को नहीं गिराओगे, मेहनत से काम करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे, और अगर कभी भविष्य में भगवान अल्लाह तुम्हें बना दे कुछ, तो कुछ बनना है आपको, ठीक है ना, ठीक है, चलो बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं हूं मुशाहिद खान, और आज मैं दिल्ली के दिल यानी कि इंडिया गेट पर आया हूं, और आया था कुछ काम से, लेकिन मैंने देखा कि एक मासूम सा बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 15-16 साल है, हाथ में एक स्लोगन लिए हुए अपने बाप के लिए कुछ भीख मांग रहा था, और एक गुहार कर रहा था लोगों से कि मेरे वालिद को, मेरे पापा को ब्लड कैंसर है, लेकिन कुछ लोग थे जो उसकी मदद भी कर रहे थे, 10 से 20 से 50 से, सिर्फ और सबसे ज़्यादा 100 रुपये से। तो हमने कोशिश की, एक छोटा सा अमाउंट हमने उसको दिया है, उसके चेहरे पर खुशी बहुत आई है। बस आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे लोगों की मदद करो, ऐसे लोग आपको मिलेंगे, बेहद मिलेंगे, और कोई भी ऐसे लोग अपनी मान सम्मान को ठेस पहुंचाकर, मान सम्मान ख़त्म कर कभी ऐसे भीख नहीं मांगता। मुझे उस बच्चे की आंखों में एक सच्चाई दिखाई दी, तभी मैंने उसकी वीडियो बनाई। बस यही रिक्वेस्ट है, इस बच्चे की मदद कीजिए, ये किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, लेकिन इसको आपकी ज़रूरत है। बस ये चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की मदद कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें यूँ ही प्यार बांटते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।